काम जो है ना, काम की बात, नौकरी की बात, तरक्की की बात, विकास की बात, ये भाजपा लोग समझ ही नहीं सकते। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रंजन सिंह। रोड शो और जॉब शो में अब मामला जो है वो तन गया है। आज तक किसी ने भी 5 लाख नौकरी को लेकर जॉब शो किया है क्या? ये बात तेजस्वी यादव ने कहा जब पटना एयरपोर्ट पर वो लौटे, और साथ ही साथ जो लगातार लालू प्रसाद यादव के तरफ से जो बातें कही जा रही है कि संविधान खतरे में है, इन तमाम बातों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालू यादव को लेकर हमला भी कर रहे हैं, इन तमाम बातों को लेकर तेजस्वी यादव ने आज पटना एयरपोर्ट पर अपनी बातों को रखा है, क्या कुछ कहा है सुनिए। बात समझ में आती नहीं है, काम जो है ना, काम की बात, नौकरी की बात, तरक्की की बात, विकास की बात, ये भाजपा लोग समझ ही नहीं सकते। ये इतने नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं, नकारात्मक लोग हैं कि इनको केवल बुराई निकालना ही आता है। चीज़ों को सही ढंग से देखना चाहिए भाजपा के लोगों को। जॉब शो का मतलब 5 लाख इनके दिमाग में क्यों नहीं आया? 5 लाख, 3 लाख जो है आपका प्रक्रियाधीन है। देश में कहीं भी इतने बड़ी तादाद में किसी ने जॉब शो किया है क्या? या दुनिया में हम कहते हैं दुनिया की किसी भी सरकार ने 5 लाख का जॉब शो किया हो तो बता दो। अगर ये भाजपा के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो अपने घर के किसी नौजवान से बात कर लेना चाहिए, बच्चों से बात कर लेना चाहिए, वो उनको समझा दें। लालू जी का भी ट्वीट एक आया है कि जो भाजपा है ना, ये ओबीसी संविधान की विरोधी भी नहीं, दुश्मन है। एकदम सही बात है, इसीलिए तो संविधान ही लोग खत्म करना चाह रहे हैं। और इनका ये आज से एजेंडा नहीं है, बहुत पहले से एजेंडा है। ये इन लोगों ने हमेशा संविधान के खिलाफ ही बात की है और काम किया है, और इस बार तो उजागर हो गया, तो जनता जवाब देगी। चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो आप बात कर रहे हैं जॉब की, अगर मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते तो क्या संभव हो पाता? क्या जो बातें आप कर रहे हैं मंत्री की वजह से 5 लाख जो भी नौकरियां मिली वो मुख्यमंत्री जी के ही बदौलत। चिराग जी कभी मंत्री बने हैं? एक्सपीरियंस है संचिका या प्रस्ताव? कौन से विभाग से जॉब निकला सबसे ज्यादा? शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग के मंत्री कौन थे? हमारे दल के थे। नियमावली कौन बनाता है? विभाग बनाता है, मंत्री बनाता है कि नहीं? प्रस्ताव कौन भेजता है? मंत्री भेजता है, विभाग भेजता है, फिर न स्वीकृत होके आता है। मुख्यमंत्री का तो काम है मोहर लगवाना, वो मोहर लगवाए हम, प्रस्ताव बनवाए हम, नियमावली बनवाए हम, तो थोड़ा अनुभव भी चाहिए होता है। कुछ लोग बिना अनुभव के बातें कहते हैं, उनको करने दीजिए। हाँ नहीं, अभी 1 करोड़ वाला जॉब शो बाकी है, हिल रहे हैं लोग। और जो बात हम लोग 15 अगस्त की बात करते थे, राहुल गांधी जी भी ने भी कहा कि 15 अगस्त को बेरोजगारी से लोगों को आज़ादी दिलाएगी, यही लोगों की कामना है ना। लोग यही चाहते हैं कि नौकरी मिले लोगों को, और सरकार का दायित्व है जो जनता चाहती है वो करे। तो लोग नौकरी मांग रहे हैं तो सरकार का दायित्व बनता है कि नौकरी दे।